तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ नथिंग फोन वन के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो हाइप में ये फ़ोन, बहुत सारे लोग उसे इंतजार कर रहे हैं और ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। तो इस फ़ोन की सारी प्राइसिंग और लॉन्च डेट के साथ साथ इसकी जितनी स्पेसिफिकेशन है सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को पहली बार चैनल पहली बार आ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो जरूर लाइक कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नथिंग फोन वन के पहले कंपनी के बारे में बात करते हैं, बाद में नथिंग की तरफ आएंगे। तो सर नथिंग सबसे पहले अपना प्रोडक्ट लॉन्च करा था नथिंग एयर बड्स वन जो भी उनका था, और वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन थी उसकी और काफ़ी ज़्यादा उसकी सेल भी हुई। तो एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट था नथिंग तरफ से, थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट था वो। वही हम उम्मीद कर रहे हैं कि नथिंग फोन वन के अंदर भी हमें वही चीज़ देखने को मिले और कोई प्रॉब्लम ना हो, ना उसके अंदर सॉफ्टवेयर एरर्स हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा फ़ोन होना चाहिए, क्लीन यूआई हो, ये भी एक्सपेक्ट करते हैं हम। और साथ ही साथ उस फ़ोन को भी कुछ प्रीमियमनेस ये ज़रूर देगा नथिंग, और जाहिर सी बात है प्रीमियम प्राइस टैग भी होगा। लेकिन अब नथिंग फोन वन की कुछ डिज़ाइन वगैरह बाहर आ गई हैं, तो आप देख सकते हो नथिंग फोन वन कुछ नथिंग एयरबड्स की तरह कुछ ट्रांसपेरेंट टाइप का होने वाला है, और ये सुनने वाला ग्लास बॉडी होगी इसकी, साइड में मेटलिक फ्रेम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। डुअल कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगा, और ये पीछे कॉपर आपको दिख रहा है बैक पे उसके सर्कुलर में, वो एक्चुअली वायरलेस चार्जिंग का सिस्टम, उससे वायरलेस चार्ज हो रहा है, वायरलेस चार्जर है उसका। तो इस फ़ोन के अंदर हमें वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलने वाली है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि शायद नथिंग पहला कंपनी बन जाए इस सेगमेंट के अंदर जो 30,000 का सेगमेंट है उसके अंदर वायरलेस चार्जिंग लेके आने वाली। मैं 30,000 का सेगमेंट क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इस फ़ोन की कुछ स्पेसिफिकेशन आई थी पहले। पहले तो ये आई थी इसके अंदर स्नैपड्रैगन 7th generation 1 होने वाला है, और साथ ही साथ 120Hz की AMOLED डिस्प्ले होने वाली है, साथ ही साथ हमें कैमरा देखने मिलेगा 50MP का और OIS के साथ, और काफ़ी अच्छी बात है। और हमें ज़्यादा फास्ट चार्जिंग मिलेगी, 50-60W आई थी पहले बीच में दिया मेरा, उसके अंदर देखने मिलेगी, और फिर और वायरलेस चार्जिंग देखने मिलेगी। लेकिन आपको नई लीक निकल के आएंगे उनके हिसाब से, अगर मैं आपको बताऊँ इसके अंदर 778G या फिर 778G+ मेरे दोनों में से कोई एक प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, साथ ही कैमरा 50MP होने वाला है, OIS के साथ वायरलेस चार्जिंग, वायर चार्जिंग, टाइप सी पोर्ट, मेटलिक फ्रेम और 90Hz की डिस्प्ले, 120Hz की सुपर AMOLED डिस्प्ले, फिर काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है, मतलब 60Hz के मुकाबले अच्छी है, 90Hz भी परफेक्ट है, ज़्यादा हर्ट्ज़ का तो प्रॉब्लम होता है, 90Hz भी ठीक है, नो डाउट बेस्ट है। आप एक कह सकते हो प्रीमियम फोन, आप एक आईफोन में तो 60Hz 90Hz। तो अब हम नथिंग UI के बारे में बात करें, तो नथिंग वालों को कहना है कार्पी का कि ये काफ़ी स्टॉक एंड्रॉइड वाली UI होने वाली है, इसके अंदर आपको काफ़ी मज़ा भी आने वाला है, कुछ यूनिक देखने को मिलेगा आपको, ये सारी कंपनी की तरह नहीं होगा, एप्पल की तरह कुछ हटके होगा लेकिन चलेगा ये एंड्रॉइड पर ही, पर इसकी UI कुछ हटके होने वाली है। और जैसे कि आपको पता है नथिंग थोड़ा आप अलग ही काम करता है गेम में, उसमें करा दें एयरफोन्स में, और साथ अगर नथिंग की हम बात करें तो इसके जो फाउंडर हैं कार्ल जे, वो पहले वन प्लस के को फाउंडर थे, तो उन्हीं की कंपनी है नथिंग, वो वन प्लस उन्होंने छोड़ दिए, अब ये नथिंग में आ गया, तो फिर मतलब थोड़ी बार से मतलब को ओप्पो ने पूरा खा लिया है, तो सारे फोन वन प्लस के आप समझिए ओप्पो भी फोन आ रहे हैं, अभी जैसे 10R लॉन्च हुआ और एक जी फोन थी गरीब ब्रांड का। तो नथिंग के अंदर कार्ल जे आ चुके हैं और वो काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो अराउंड 30-35,000 हो सकता है 778G+ या 7th generation 1 आता है तो। वैसे 778G या 778G+ की ज़्यादा चांसेस हैं, तो देखते हैं किस प्रोसेसर से आता है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 4000 से लेकर 4500 के बीच में होने वाली है, क्योंकि ग्लास बॉडी वगैरह तो मतलब थोड़ा ठीक होते हैं, तो 4000 mAh दे दें, लेकिन अगर ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होगी तो 5000 mAh को बीट कर सकती है, जैसे एप्पल की 3500-4000 mAh की बैटरी सबसे बेहतरीन मैटर होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। और 778G काफ़ी टेस्टेड एंड ट्राइड प्रोसेसर भी है, तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, काफ़ी ऑप्टिमाइज होने वाला है, और नथिंग UI काफ़ी ज़्यादा क्लीन UI होने वाली है, उन्होंने खुद कहा है, अब देखते कितनी क्लीन UI होती है, एक्सपेक्ट ये करते हैं थोड़ी क्लीन भी हो तो अच्छा लगेगा। तो यही है नथिंग फोन वन, और सर इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो कार्ल्पी ने ट्विटर पर रिप्लाई करा था, किसी को उन्होंने सवाल पूछा था किसी ने कार्ल्पी से कि आप कब लॉन्च कर रहे हैं, तो पैड उन्होंने ये कहा था APC आएंगे कि हम 7 मई लॉन्च करेंगे इसी साल, लेकिन अब वो उन्होंने रिप्लाई करके बताया कि 6/9/22
अभी हम अमेरिकन फॉर्म में नहीं, अगर हम इंडियन फॉर्म में भी करें तो 9/6/22, 9 मतलब 9 और 6 मतलब जून, तो 9 June 2022। और इसकी लॉन्च टाइमिंग उन्होंने मुझे ऐसी बताई कि घुमा फिरा के अगर शाम को 6 बजे के आसपास लॉन्च होगा, या 10:30 to 7:30 आठ बजे लॉन्च होते हैं यहाँ पे, तो हो सकता है पूरे वर्ल्ड वाइड लॉन्च हो ग्लोबली, अमेरिका वगैरह में, यूरोप वगैरह में, इंडिया में, तो ये हो सकता है पॉसिबल है। बाकी नथिंग फोन वन काफ़ी प्रीमियम होने वाला है, बस इसकी प्राइसिंग देखने को 30-35,000 हुई तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे मोटरोला भी आज बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मोटरोला M30 आने वाला इंडिया को चैनल देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी जो मेन फ़ोन जिसके बारे में बात है वो है नथिंग फोन वन। आपका क्या ख्याल है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। और नथिंग फोन वन के थोड़े स्पेसिफिकेशन में आपको और बता दूँ, इसके अंदर टाइप सपोर्ट भी देखने मिलने वाला है, 3.5 mm वाला जैक हमें देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं आपको अभी से बता दूँ। और अगर बात करें मेटलिक फ्रेम हो गया, मेटलिक आपके बटन हो गए, और स्टीरियो स्पीकर्स और डॉल्बी ऑडियो सर्टिफाइड भी होंगे ये याद रखिएगा दोस्तों। और एडियर 10+ की होगी 90 Hz डिस्प्ले, और 30 mm उसकी ब्राइटनेस होने वाली है। और ये शायद कन्फर्म नहीं है E4 एमोलेड होगी या नॉर्मल एमोलेड होगी, E4 भी ज़्यादा अच्छी बात है, वैसे E4 भी ज़्यादा चांसेस है, 30-35,000 आने वाला है और काफ़ी प्रीमियम फ़ोन होगा। तो देखते हैं कितने का ही आता है फोन, और हो सकता है एक अपना प्रीमियम फ़ोन भी ले जाएँ जो सीधे एप्पल से कंपेयर करें, मतलब 60-70,000-80,000 की रेंज में पॉसिबल है, नथिंग है। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाकी तो और डिटेल्स आएंगी तो आपको जरूर से बता दूंगा। एक स्पेशल वीडियो और बनाऊंगा इस नथिंग फोन वन के ऊपर, अगर ये लॉन्च होगा तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, बहुत ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है चैनल पर। तो वीडियो बनवाई तो लाइक ही करिएगा, और नथिंग फोन वन के बारे में आपको या फायदा मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और आपको क्या लगता है नथिंग फोन वन की प्राइसिंग क्या होगी भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, इसीलिए।